अभी अब क्लियर आए आवाज़ ऑडियो वीडियो क्लियर है सबका ठीक है तो अपन स्टार्ट करते हैं गेटको के बारे में ठीक है तो सबसे पहले मैं आप लोग के लिए इसका पूरा का पूरा सिलेबस है उसको लेके आया हुआ हूँ ठीक है इसका पूरा का पूरा सिलेबस है उसको लेके आया हुआ हूँ तो आप लोग देखोगे कि इसका जो सिलेबस है ये आप लोग का पांच सेक्शन पे है ठीक है पांच सेक्शन पे सेक्शन वन पे आप लोग का जनरल नॉलेज जिसका वेटेज है टेन परसेंट सेक्शन टू पे है आप लोग का इंग्लिश नॉलेज जिसका भी टेन परसेंट थर्ड थर्ड सेक्शन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसका आप लोग का सिक्सटी परसेंट ठीक है ना सिक्सटी परसेंट क्या आप अपना हायर वेटे सिक्सटी परसेंट जो मेन अपना टेक्निकल पार्ट है उसके बाद है आप लोग का कंप्यूटर नॉलेज टेन और उसके बाद गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर दैट इज ऑल्सो टेन ठीक है तो अपन लोग सबसे पहले इसका जो सेक्शन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला सेक्शन है इसको मैं क्या है आप लोग के लिए डील करूंगा तो जो गेट को है गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ठीक है जो गेटको है वो है आप लोग का गुजरात सभी को पता होगा इसका नाम ठीक है गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड तो ये आप हाँ लोग का कंपनी इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं गेट को ठीक है गेट को क्लियर है तो ये आप हाँ लोग का कंपनी का नाम है ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ठीक है तो ये जो कंपनी है क्या करती है बेसिकली क्या करती है आप लोग के जो पावर रहता है उसको इंटर स्टेट में ट्रांसमिट करती है ठीक है तो क्या हुआ था 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया था तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के आने से क्या हुआ था कि जो की जो कंपनीज है स्टेट की जो कंपनीज है उनको तीन पार्ट में अपन लोग क्या किए थे डिवाइड किए थे हर हाँ स्टेट में तीन पार्ट में डिवाइड किए थे कहीं कहीं उसको चार पार्ट में डिवाइड किए थे तो जनरली हर हाँ स्टेट में थ्री टू फोर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी रहती है ठीक है तो अपन सबसे पहले उसको थोड़ा सा डील करते हैं कि इसका जो ही पीछे का हिस्ट्री क्या है करके तो ये जो कंपनी जो भी रहती है हाँ हर स्टेट में जो रहती है इंडिया के सभी स्टेट का ये सीनावियो वहाँ सीनावियो पर क्या है कि जो पहला जो कंपनी रहता है वो रहता है आप लोग का जनरेशन ये क्या रहती है आप लोग का पावर को जनरेट करती है ठीक है जैसे आप लोग का जो भी कंपनी जैसे जेनको बोलते हैं हम लोग ठीक है उसको अपन लोग जेनको बोलते हैं पावर जनरेट करती है गुजरात में भी एक कंपनी है जो पावर को क्या करती है आप लोग का जनरेट करती है ठीक है और जो सेकेंड जो कंपनी रहती है वो क्या करती है उस पावर को इंटर स्टेट पर ठीक है इंटर सॉरी इंटर स्टेट पर क्या करती है आप लोग का ट्रांसमिट करती है तो उसको अपन लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन कंपनी ठीक है ना ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कंपनी ट्रांसमिशन कंपनी वहती है आप लोग की जनरेशन कंपनी और जो थर्ड बहती है जो आपको आपके घर पे जो पावर जो सेल करती है डायरेक्ट बहती उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में डिस्कॉम बोलते हैं इसको अपन लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं डिस्कॉम बोलते हैं तो ये जो क्या करती है आप लोग का डायरेक्ट आप लोग के घर पे आप लोग के पावर को क्या करती है सेल आउट करती है जो आपके घर पे जो बिजली बिल आता होगा वो इस कंपनी का हो, आता होगा इसको क्या बोलते हैं आप लोग डिस्कॉम बोलते हैं और कई कई स्टेट में क्या रहता है इन जो तीनों जो कंपनी रहती है इसेंशियली क्या रहती है ओन बाई स्टेट गवर्नमेंट रहती है ठीक है ये जो कंपनी रहती है वो क्या रहती है ओन बाई स्टेट गवर्नमेंट रहती है तो जो स्टेट गवर्नमेंट क्या रहती है एक उसका होल्डिंग कंपनी बना लेती है ठीक है एक क्या करती है आप लोग का होल्डिंग कंपनी बना लेती है तो यहाँ एक अंकित अंकित कुमार पूछ रहे हैं कि सर विल यू कवर जनरेशन टॉपिक एंड इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशन इन गेट अकेडमी ऐप यस 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 डेफिनेटली भाई सब चीज़ अपन कवर करेंगे विल यू प्रोवाइड पी डी एफ ऑफ लेक्चर ऑफ पावर सिस्टम्स हाँ पी डी एफ भी आप लोग को सब चीज़ प्रोवाइड होगा मैं आप लोगों के पी डी एफ ऊपर वर्क कर रहा हूँ और बहुत ही जैसे अपना क्लास चालू होगा जब ट्वेंटी फर्स्ट में तो आप लोग को स्टार्टिंग से ही सभी मटेरियल्स क्या हो गया आप लोग को मिलना स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है तो ये आप लोग बिल्कुल लो टेंशन ही मत लीजिए कि आप कोई सा हर टॉपिक को अपन क्या करेंगे कवर करेंगे ठीक है तो मैं थोड़ा सा आप लोग के जो कंपनी का एक जो आप लोग का एक ओवरव्यू दे देता हूँ क्योंकि आज ये इंट्रोडक्शन टाइप से है तो इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि जो कंपनी करती क्या है और जो कंपनी जो करती उसी अकॉर्डिंग क्या करेगी आप लोग से क्वेश्चन को क्या करेगी फ्रेम करेगी तो आपको जानना इंपॉर्टेंट है कि जो कंपनी है वो क्या करती है ठीक है तो जो कंपनी हुआ थी इसलिए टेक्निकल तीन है जनरेशन कंपनी जो पावर जनरेट करती है ट्रांसमिशन कंपनी जो पावर ट्रांसमिट करती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और जिसको अपन बोलते हैं डिस्कॉम जो आप लोग के घर पे आप लोग को बिजली बेचती है ठीक है तो जो जेनको है जो जे ये जो जेटको है वो क्या आप लोग का ट्रांसमिशन कंपनी है ठीक है ट्रांसमिशन कंपनी हरी स्टेट पर रहती है जैसे छत्तीसगढ़ की जो ट्रांसमिशन कंपनी उसको हम लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ठीक है जिसको हम लोग बोलते हैं सीएसपीटीसीएल और जो जनरेशन कंपनी है उसको हम लोग छत्तीसगढ़ को बोलते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में सीएसपीजीसीएल वैसे ही हर स्टेट पर रहती है और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है उसको हम लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड सीएसपीडीसीएल बोलते हैं ठीक है तो ये क्या

तो अब अपने को क्लियर हो गया कि अपना जो जेनको है जो जेटको है वो क्या आप लोग का ट्रांसमिशन कंपनी है ठीक है ना ट्रांसमिशन कंपनी है तो जो ट्रांसमिशन कंपनी है तो ट्रांसमिशन कंपनी भी दो टाइप की होती है, है, है क्या होती है का तो स्टेट ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कंपनी कंपनी सेंट्रल तो तुम लोग सब पावर ग्रिड का नाम सुने हो ठीक है जो पावर ग्रिड रहता है उसका सभी नाम सुना होगा तो जो पावर ग्रिड क्या रहती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्रांसमिशन कंपनी है तो वो क्या करती है पावर ग्रिड बल्क में पावर को ट्रांसमिट करती है फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर स्टेट क्लियर है ना फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर स्टेट तो वो काम क्या रहता है वो पावर ग्रिड करता है तो जो पावर ग्रिड है वो पूरे देश की एक ट्रांसमिशन कंपनी है ओन बाय मेजॉरिटी ओन बाय क्या है आप लोग की सेंट्रल गवर्नमेंट बट क्या होता है क्या होता है स्टेट में भी क्या रहता है आप लोग का जो इंडियन जो स्टेट है वो ऐसा छोटा छोटा कोई स्टेट नहीं बड़ा बड़ा स्टेट है सभी स्टेट क्या होता है लगभग आप लोग के साइज में बड़े बड़े हैं और वहां का जो जनरेशन है वो क्या है आप लोग का एक जगह होता है ट्रांसमिशन जनरेशन एक जगह होता है या आपको जो डिमांड है वो क्या बहता है? है आप लोग का दूसरी जगह रहता है तो जैसे गुजरात में भी गुजरात में भी आप लोग का जो सौराष्ट्र वाला जो एरिया है ठीक है सौराष्ट्र वाला एरिया वो क्या आप लोग का लगभग थोड़ा सा कम डेवलप एरिया है आप लोग का जो अहमदाबाद के साइड का जो एरिया है वर, वोद्रा ये वाला जो एरिया हो जाए आप लोग का ज्यादा डेवलप्ड एरिया है तो जैसे मुन्द्र है तो जो मुंदवा है आप लोग का वहाँ आप लोग का बल्क में पावर जनरेट होता है लेकिन उतना पावर का वहाँ क्या कंजप्शन नहीं है तो जो पावर जो रहता है वहां से जनरेट होकर आप लोग को पूरा गुजरात में उसको क्या करना रहता है, है आप लोग का डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है तो जो प्राइमरी जो पावर रहता है जो बल्क पावर रहता है ठीक है उसको इंटर इंटरा स्टेट में क्या रहता है आप लोग का ये जो ट्रांसमिशन कंपनी हो क्या करती है आप लोग की ट्रांसमिट करती है चाहे वो गुजरात की हो चाहे महाराष्ट्र की हो चाहे छत्तीसगढ़ की हो चाहे वो आप लोग कोई स्टेट यूपी की हो ठीक है तो ये काम क्या करती, आप का? कंपनी करती है और इसीलिए इलेक्ट्रिस के अकॉर्डिंग क्या किया गया था आप लोग का बनाया गया था ठीक है तो ये क्या काम करती है का ये काम करती है अब अप अपन थोड़ा सा टेक्निकालिटी पे आते हैं ठीक है अपन टेक्निकालिटी पे आते हैं तो ये काम को गेट, को कर, गेट को क्या है आप लोग का करती कैसे है ठीक है तो यहां और पूछ रहे हैं कि सर एस एस सी जेई ए कोर्स में गेटको की फुल प्रिपरेशन होगा ना गेटको का पूरा पुर, आप लोग का जो पूरा का पूरा जो प्रिपरेशन है जो टॉपिक है ठीक है कवर अभी मैं पूरा आप लोग को डिटेल में बताऊंगा आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मैं कोई भी पार्ट में आप लोग को हर टॉपिक बताऊंगा उसके उस टॉपिक को अपन डील करेंगे आप लोग कोई डाउट रहता तो आप मेरे से पूछना तो अपन ऐसे करके उसको अपन आगे बढ़ेंगे कोई सा भी टॉपिक आप लोग के लिए नहीं छूटेगा ठीक है सर कैन कैन एवरी इन इंडिया कैन अप्लाई फॉर जेटको हा वो तो अप्लाई कर सकते हैं उसमें लेकिन लैंग्वेज का कुछ इशू है ठीक है वो आप लोग डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप लोग वहाँ से क्या कर सकते हैं आप लोग पढ़ सकते हैं सर प्लीज़ सॉल्व क्वेश्चन सी विज विदाउट कैलसी बिकॉज दिस ट्रेंड हैव चेंज दे आर आस्किंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड मैथमेटिकल अप्रोच ठीक है तो अपन उसको डील करेंगे जो क्वेश्चन है वो अपन सॉल्व करेंगे मैं आप लोगों का क्या करता हूँ जनरली जो लोग मेरा क्लास पहले कुछ अटेंड किए होंगे मैं आप लोग को एक दिन थ्योरी लेता हूँ दो दिन निमेरिकल ऐसे करके जैसे थ्योरी पढ़ाया उस दिन अपन उसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं ड्रॉप कर देते हैं कि भाई आप उसको घर पर जाओ थोड़ा सा उसको डिटेल एनालिसिस करो नेक्स्ट डे में अपन लोग क्या करते हैं इमीजिएट उसके ऊपर उसके ऊपर न्यूमेरिकल उस क्वेश्चन क्या करते हैं सॉल्व करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ठीक है मैं कन्वेंशनल क्वेश्चन भी आप लोग से सॉल्व करवाता हूँ यूनिवर्सिटी में आते हैं या इंजीनियरिंग सर्विस में जो आते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन जो एस एस सी जी के जो आप लोगों का कन्वेंशनल जो क्वेश्चन आते हैं उसको को भी सब अपन लोग क्या करते हैं पूरा डील करते हैं तो आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो जो अप्रोच है मेरा अप्रोच है वो क्या होता है पहले थ्योरी फिर आप लोगों का थ्योरी न्यूमेरिकल मेडिकल थ्योरी फिर, फिर न्यूमेरिकल ऐसा नहीं कि मैं पूरा आप लोगों को सीधा थ्योरी पढ़ाते जाऊँ लास्ट में न्यूमेरिकल कराऊँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता तो अपन जो पूरा स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस पर अपन क्या करते हैं आगे चलते हैं और मैं आपको साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बताऊँ कि मैं खुद ही पावर सेक्टर में मेरे लगभग चार साल का एक्सपीरियंस है तो मैं तुम लोग को इतना चीज़ें दी तुम लोग मेरा क्लास लोगे तो मैं तुम लोग को इतना चीज़ें बता दूंगा कि तुम लोग को इंटरव्यू में बहुत ही आसानी होगा क्योंकि ये सब चीज़ें मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये चीज़ें कोई जनरली जानता नहीं मैं जानता इसलिए क्योंकि मैं भी यहाँ काम करता हूँ बोल के मेरे को ये पूरा जो चीज़ें हो क्या आप लोग का पता है तो इंटरव्यू में तुम लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ठीक है तो इंटरव्यू में आप लोग को क्या पूछता है ठीक है ये सब क्या है आप लोग यदि क्लास के आप प्रॉपर अटेंड करोगे तो आप लोग को चीज़ें क्या रहेगी आप लोग की क्लियर रहेगी ठीक है साउथ इंडियन स्टूडेंट कैन अप्लाई और नॉट अप्लाई कर सकते हैं <laughs> क्यों नहीं कर सकते ठीक है आ, गेट को एग्जाम सेंटर विल बी ऑल ओवर इंडिया और नॉट एग्जाम सेंटर भी ओवर इंडिया हो तो आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप लोग का क्या है आप लोग का लिखा हुआ है ठीक है तो पहले मेरे को थोड़ा सा गेट को का आप लोग को एक ओवरव्यू देता हूँ कि गेट को क्या करती है ठीक है गेट को क्या करती है तो जो गेट को है वो क्या आप लोग का एक ट्रांसमिशन कंपनी है ठीक है अब एक ट्रांसमिशन कंपनी है तो आप देखेंगे जो ट्रांसमिशन कंपनी रहती है वो क्या करती है आप लोग का जो ट्रांसमिशन कंपनी रहती है उसका जो जो बेसिक जो वर्क है बेसिक जो वर्क है वो रहता है आप लोग का इंटरा स्टेट इंटरा स्टेट स्टेट पावर ट्रांसमिशन पावर ट्रांसमिशन इंटरा स्टेट पावर ट्रांसमिशन ठीक है पावर ट्रांसमिशन तो जो इंटर स्टेट पावर ट्रांसमिशन होता है वो क्या करती है आप लोग का जो कंपनी करती थी तो आपको एकदम क्लियर बना चाहिए को जो, जो जो जेट जो आप लोग का जो जेट को है वो क्या है आप लोग का जो इंटर इंटर स्टेट स्टेट के अंदर में ही क्या करेगी आप लोग की पावर को ट्रांसमिट करेगी तो जनरली जो स्टेट की जो कंपनी रहती है वो किस किस वोल्टेज लेवल पर ऑपरेट करती है तो जो वोल्टेज लेवल रहता है वो क्या रहता है आप लोग का जो कंपनी का जो ये ऑपरेशन सब स्टेशन रहता है सब स्टेशन रहता है उसमें जो हाइएस्ट वोल्टेज लेवल रहता है वो रहता है आप लोग का फोर हंड्रेड किलो वोल्ट का ठीक है सेकेंड नंबर पर रहता है आप लोग का टू ट्वेंटी किलो वोल्ट का ठीक है थर्ड नंबर पे रहता है आप लोग का वन थर्टी टू किलो वोल्ट का ठीक है और फोर्थ <coughs> नंबर पे आप लोग का जो जेटको है उसके पास भी आप लोग का सिक्सटी सिक्स किलो वोल्ट का आप लोग का ये आप लोग का सब स्टेशन पर ऑपरेट करती है तो ये क्या आप लोग का टाइप ऑफ टाइप ऑफ सब स्टेशन सब स्टेशन ठीक है।, है।, है ना टाइप ऑफ सब स्टेशन है तो जो 400 हंड्रेड के का जो सब स्टेशन है ठीक है इसके पास आप लोग का जो गुजरात की जो कंपनी है जेटको के पास है 16 नंबर ठीक है आप लोग के पास 220 ट्वेंटी के का आप लोग के पास है 105 और ये आप लोग के पास 58 और ये आप लोग के पास 1845, ठीक है तो जब आप ये एग्जाम क्रैक करोगे ठीक है जब आप एग्जाम क्रैक करोगे तो ये वन एट फोर फाइव में से कोई एक सब स्टेशन का पूरा का पूरा जिम्मेदारी आपको मिलेगा ठीक है यू यू विल बी रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज वन सिक्सटी सिक्स के भी सब स्टेशन इसमें से वन एट फोर फाइव में से कोई एक सब स्टेशन को क्या करोगे आप लोग ऑपरेट करोगे पूरा इसके इंचार्ज आप लोग रहोगे यदि यहां नहीं मिला तो आपको यहां डला जाएगा 132 में लेकिन 132 में आपके ऊपर आपका एक और बॉस बैठेगा यदि आप 220 में बैठते हो तो उसके ऊपर दो बॉस बैठेंगे और यदि आप फोर हंड्रेड के में बैठते हो तो वहां आपके भी ऊपर दो बॉस बैठेंगे ठीक है तो ये जो सब स्टेशन होता है वन एट फोर फाइव ये सिक्सटी सिक्स के का सब स्टेशन ये इसको डायरेक्ट का डायरेक्ट क्या होता है आप लोग का जेई भी रिस्पॉन्सिबल होता है उसका पूरा का पूरा जो आप लोग का ऑपरेशन उसको जेई आप लोग का देखता है तो ये आप लोग के पास वन क्या है आप लोग का सब स्टेशन है जो कि पूरे ऑल ओवर गुजरात में आप लोग का फैला हुआ है तो ये जो काउंट है वन एट फोर फाइव एक्चुअली बहुत हाई हाई काउंट है ठीक है बहुत ही ज्यादा सब स्टेशन है जो कि बहुत ही अच्छी बात है आप लोग के लाइन के अवेलेबल होने के लिए ठीक है ना लाइन के अवलेबिलिटी होने के लिए और ये जिसके पास जो जेडको है ये क्या करती है अब आप लोग को सब स्टेशन को ही नहीं देखना है ठीक है सब स्टेशन के अंदर का आप लोग को देखना है उसके साथ ही साथ क्या रहता है जो कंपनी रहती है वो पूरे की पूरे ट्रांसमिशन लाइन को भी देखती है तो जो फोर हंड्रेड का जो ट्रांसमिशन लाइन है ये इसके पास है आप लोग का सिक्स जीरो नाइन सिक्स किलोमीटर सर्किट किलोमीटर ठीक है ना ये आप लोग का सभी का सभी के आप लोग का किलोमीटर पे है ठीक है तो ये छह हजार छियानवे किलोमीटर का इसके पास फोर हंड्रेड के बी ट्रांसमिशन लाइन है तो जो बिग आप ट्रांसमिशन लाइन देखते हो ना जो इस थंबनेल पे इस पे लिखा हुआ इस जो वीडियो

थर्ड है जो 132 थर्टी ट्रांसमिशन लाइन है वो है फिफ्टी फाइव किलोमीटर और ये जो 66 सिक्स के वी का जो ट्रांसमिशन लाइन है ठीक है उसको अपन लोग है वो अपने पास थर्टी थर्टी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड सिक्सटी एट किलोमीटर ठीक है तो ये क्या है आप लोग का पूरा का पूरा आप लोग का जो गेटको का क्या है आप लोग का ये इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आप यदि कंपनी में जब जाओगे तो आप होल सोल रिस्पॉन्सिबल होगे इस पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के आपको इसमें से कोई एक पार्ट मिलेगा यदि आप जेई में जाते हो तो आपको इसमें से एक सब स्टेशन मिलेगा और उस सब स्टेशन से निकलने वाली ये जो लाइन है सिक्सटी सिक्स के बी का लाइन है उसका आप ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस को देखोगे ठीक है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस को देखोगे तो यहां क्या रहता है ये जो सब लाइन रहती है इसमें क्या रहता है आप लोग का स्काडा करके एक सिस्टम लगा रहता है ठीक है स्काडा करके एक सिस्टम

ठीक है इंडिया द स्टेट इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़ जहाँ मैं भी काम करता हूँ उससे बहुत ही ज़्यादा हाईटेक है ठीक है इस बारे में मैं सोच भी हुआ था कि भाई यहाँ सिक्सटी सिक्स के वी के वन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव सब स्टेशन होना बहुत बड़ी बात है ठीक है ये बहुत ही ज़्यादा काउंट है ये ठीक है कितना सब स्टेशन लोग के पास है और आप लोग का फोर हंड्रेड के वी का सिक्सटी सिक्सटीन सब स्टेशन भी क्या आप लोग का बहुत ही ज़्यादा है और ये जो पूरा का पूरा जो गेटवे जो कंपनी है ये आप लोग का लगभग पंद्रह हजार मेगावाट पावर को क्या कर सकती है आप लोग का किसी भी गिवन टाइम में आप लोग का ट्रांसमिट कर सकती है यहाँ से वहाँ तो ये जो पूरा सिस्टम है

तो यहाँ और क्या क्या पूछ रहे हैं अंकित बोल रहा है कि इन हाउ मेनी आवर्स पावर सिस्टम विल बी टेकन पावर सिस्टम का जो आवर्स होगा वो अराउंड होगा आप लोग का सिक्सटीन सिक्सटी सिक्स जीरो ठीक है ना सिक्सटी आवर्स का राउंड होगा आप लोग का पावर सिस्टम ठीक है और ऐसा नहीं है पावर सिस्टम को अपन पढ़ते जाएंगे ठीक है अपन देखते हैं अपन उसके अकॉर्डिंग उसको थोड़ा से थोड़ा बहुत प्लस माइनस जो रहता है अपन उसको क्या कर लेंगे मैनेज कर लेंगे क्लियर है तो सिक्सटी आवर्स का कुछ अपना पावर सिस्टम रहेगा तो ये रहा आप लोग का इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो आप लोग का जो कंपनी जिसका आप एग्जाम देने जा रहे हो उसका अब देखो अब आप लोग को मैं इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बताया मैं सिलेबस बता रहा तो तुम लोग को विलेशन आप लोग को पता चलेगा ठीक है विलेशन पता चलेगा इसका जो सिलेबस है वो बहुत ही यूनिक सिलेबस है इसमें देखो जो सिलेबस का जो एक पार्ट है उसमें जो बेसिक अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो ये तो आप लोग को अब भाई आप इलेक्ट्रिकल के एग्जाम दे रहे हो ठीक है जेई के एग्जाम दे तो आपको ये ये तो पता रहना चाहिए ठीक है उसके बाद क्या देखो पावर सिस्टम प्लानिंग डिजाइन एंड इंजीनियरिंग ठीक है अब देखो अब क्या है जो जेटको है ठीक है उसको तेवा सर्कल है और जो तेवा सर्कल में हर सर्कल में क्या है एक ओ एन एम जो डिवीज़न है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस और एक कंस्ट्रक्शन डिवीज़न है तो क्या करती है जो जेटको है अपने जो पावर सिस्टम जो पूरा स्टेशन, सब स्टेशन ट्रांसमिशन लाइन सब का डिज़ाइनिंग खुद ही करती है

एंड मेंटेनेंस ठीक है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ये लोग क्या करते हैं आपका जो लाइन है उसी को चालू चल रहा है कि नहीं चल रहा है कुछ फॉल्ट आ गए तो उस फॉल्ट को क्लियर करेंगे ठीक है कहीं आंधी तूफान आने से खंबा गिर जाता है या वो होता है ठीक है तार टूट गया तो सबको लोग क्या करते हैं देखते हैं आप लोग का सर्किट ब्रेक अच्छे से काम नहीं कर रहा है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है सबको देखते हैं जो सेकेंड जो इसका पार्ट है वो क्या है आप लोग का कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन तो ये जो कंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट है वो क्या करता है आप लोग का पूरा ट्रांसमिशन लाइन का प्लानिंग करता है आप लोग का बनाता है तो इसीलिए इसके जो सिलेबस में जो यूनिक चीज़ जो थोड़ा सा इमेजिन वो देखा वो ये था कि पावर सिस्टम प्लानिंग डिजाइनिंग इंजीनियरिंग ठीक है तो जो कंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट है उसके लिए वो क्या किया है आप लोग को इसको डाला हुआ है तो जो जेटको में दो डिवीजन है दो जो आप लोग का मोटी मोटा पार्ट में बटा हुआ है एक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस और एक आप लोग का कंस्ट्रक्शन तो कंस्ट्रक्शन पार्ट से बहुत ही ज्यादा क्या आप लोग का इंपॉर्टेंट है तो मैं तुम लोग को पूरी की तरह इसके बारे में पूरा अच्छे से आप लोगों को बताऊंगा कि पावर सिस्टम का प्लानिंग कैसे किया जाता है ठीक है डिजाइन क्या होता है सब स्टेशन का उसमें क्या क्या आप लोग का चीजों को आप लोग को इंपॉर्टेंट चीजों को क्या करना है आप लोग का ध्यान देना पड़ता है मैं आप लोग को प्रैक्टिकल कुछ आप लोग का सीनारियो भी दूंगा ठीक है सेकेंड पार्ट है एसी एंड डीसी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन एंड नेटवर्क ठीक है तो अब क्या है ए सी एंड डी सी में जो अभी जेटको के पास अभी कोई सभी आप लोग का हाई वोल्टेज डी सी ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं है लेकिन वो लोग प्लान कर रहे हैं जैसा मैं उन लोग का जो वाइट रिपोर्ट को देख था, देख रहा था तो उन लोग का जो पूरा का पूरा जो रिपोर्ट है उसको देख रहे हैं तो लोग क्या कर रहे हैं आप लोग का हाई वोल्टेज जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो डीसी सिस्टम उसको क्या कर रहे हैं लोग आप लोग का फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं तो इंडिया में जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज डीसी उसको पावर ग्रिड ऑपरेट करती है और जो एच डीसी लाइन रहती है ठीक है वो क्या रहती है वो बहुत ही ज्यादा पावर ट्रांसमिट कर सकती है और उसका जो शेप और साइज भी रहता है वो क्या रहता है आप लोग का एकदम अलग रहता है कभी भी आप रोड रोड में क्रॉस करते हुए कभी भी आप लोग कोई ऑर्ड सेप के यदि टावर दिखे बड़ा बड़ा बहुत हैवी हैवी तो आप समझ जाना वो हाई वोल्टेज डीसी लिंक है बाईपोलर और आप लोग का यूनिपोलर ठीक है ठीक है तो वो लोग कि इस पार्ट में भी काम हुई लोग उसको क्या किया अपने सिलेबस पे डाले हुए हैं और एक्स्ट्रा तो हाई वोल्टेज में तो है ही है उसके पास आप लोग का ये यहां बस एसी में एसी में वो लोग आप लोग का कितना 400 हंड्रेड वोल्ट में आप लोग का ऑपरेट करते हैं फोर हंड्रेड किलोवोल्ट के पास ट्रांसमिशन लाइन है एक सौ बत्तीस केवी का है आप लोग का टू ट्वेंटी के वी का है तो ये सब आप लोग का हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम ही है ठीक है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम ही है अब क्या है थर्ड पे आप लोग का ट्रांसमिशन लाइन एंड सब स्टेशन डिजाइन एंड इक्विपमेंट ठीक है तो ये तो आप लोग को उसके सिलेबस में नहीं थे क्योंकि उसका जो मेजर जो काम है वो क्या आप लोग का ट्रांसमिशन लाइन एंड सब स्टेशन का डिजाइन डिजाइनर उसके इक्विपमेंट के बारे में बताया कि तो इक्विपमेंट में आप लोग का बहुत सारा पार्ट आता, आता है आप लोग का सर्किट ब्रेकर आता है, है आप लोग का सर्किट ब्रेकर आया विले आया ठीक है आप लोग का पूरा उसका जो सिस्टम आता है लाइटनिंग अरेस्टर आता है ठीक है आप लोग का ट्रांसफार्मर का जो प्रोटेक्शन करवाता है बकुल्स ले आता है आप लोग का वन स्टे प्रोडक्शन टू स्टेप प्रोडक्शन थ्री स्टेप प्रोडक्शन रहता है ये सब रहता है तो आप लोग को पूरा का पूरा अपन लोग इसको जो डिफरेंट काइंड ऑफ इक्विपमेंट है उसको पढ़ेंगे आप लोग का सिक्सटी सिक्स के वी का सर्किट बेकर आता है वन थर्टी टू का सर्किट आता है टू ट्वेंटी का सर्किट बेकर आता है फोर हंड्रेड के वी का सर्किट आता है क्लियर है आपका सी टी रहता है आपका पी टी है जो आप लोग का उसको फीडबैक देता है कि कब आपको ट्रिप करना है तो ये सब जो इक्विपमेंट है इसमें आप लोग के आते हैं ठीक है जो थर्ड पे इलेक्ट्रिकल मटेरियल तो जो इलेक्ट्रिकल मटेरियल है फिर से वही आप लोग का ये जो इसका जो कंस्ट्रक्शन वाला भी पार्ट है बोल के क्या है आप लोग के इलेक्ट्रिकल मटेरियल को क्या, क्या? क्या? आप लोग का डाला हुआ है तो जो इलेक्ट्रिकल मटेरियल डिफरेंट टाइप के आते हैं कि आप लोग उसको पढ़ोगे जो इंसुलेटर रहते है जैसे आप लोग हमेशा बुक में पढ़े हो कि आप लोग का जो इंसुलेटर है वो पॉलीमर सॉरी जो सीरेमिक का ही आता है बट आज की टाइम में यदि आप प्रैक्टिकल फील्ड में जैसे जाते हो तो जैसे हम लोग का भी कोई से भी नया ट्रांसमिशन लाइन बनता है उसमें वेयर ही आप लोग का वेयर ही एकदम अपना सिरेमिक इंसुलेटर यूज होता है आजकल नए नए टाइप के इंसुलेटर आ गए हैं पॉलीमर इंसुलेटर आ गया है आपका जो एले है पहले आपका जो थर्टी थ्री के बी के एले का साइज जो रहता था इतना रहता था ये हैवी साइज का रहता था आज की डेट में उसको उठाने में आप लोग को पूरा दोनों हाथ से ताकत लगाना पड़ता तब आप उसको उठा पाते मतलब वो लगभग दस बारह किलो रहता था जो एले थर्टी थ्री के बी का आज के टाइम में पॉलीमर का एले आया है जो आप लोग का एक किलो आधा किलो की रेंज पर रहता है तो उसको आप ऐसे एक हाथ से उठा सकते हो ठीक है तो जे वैसी सेम क्या आप लोग का जो इंसुलेटर है तो इंसुलेटर भी पहले क्या था बहुत हैवी हैवी इंसुलेटर आता था जिसका जो जिसका जो वेट रहता था वो किलो पे रहता था चार किलो पाँच किलो अभी के टाइम में आप लोग का बहुत ही हल्का पॉलीमर इन आया आया तो डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल है वो क्या आप लोग का यूज होते जा रहे हैं सेम क्या आप लोग का कंडक्टिव है जो कंडक्टर है तो कंडक्टर में भी क्या आता है आप लोग का वैकून आता है डॉग आता है पेंथर आता है मूज आता है ठीक है तो अपन डिफरेंट डिफरेंट सी के हिसाब से उसको अपन लोग यूज़ करते हैं तो आप लोग का जो वन थर्टी के ट्रांसमिशन लाइन में आप पेंथर यूज़ करते हो टू में आप मूज यूज़ करते हो ठीक है और उसके बाद आप लोग का फोर हंड्रेड में आप और उससे भी ज़्यादा हैवी टाइप का कंडक्टर क्या अपन उसको यूज़ करते हैं ठीक है तो ये सब अपन उसको इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स को अपन पढ़ेंगे ये डीसी बैटरी सिस्टम है तो डीसी बैटरी सिस्टम के बारे में आप लोगों को भी पता ही नहीं होगा ये कोई बुक पे बताता भी नहीं है ठीक है यदि आप इंजीनियरिंग किए होंगे आप पॉलिटेक्निक किए होंगे तब डीसी बैटरी सिस्टम के बारे में आप पढ़े ही नहीं होंगे लेकिन जो डीसी बैटरी सिस्टम रहता है वो क्या रहता है आप लोग का बैक बोन रहता है आप लोग का सब स्टेशन का कोई सा भी चाहे फोर हंड्रेड के भी सब स्टेशन हो चाहे वन थर्टी टू के भी सब स्टेशन हो चाहे आप लोग का सिक्सटी सिक्स के भी सब स्टेशन हो तो इसको भी आप लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एक्चुअली में ये जो डीसी बैटरी रहता है आप लोग विले को पावर देता है जिससे विले क्या रहता है आप लोग का ऑपरेट होता है तो ये डीसी बैटरी सिस्टम क्या आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके बाद क्या है विलेन प्रोटेक्शन सिस्टम तो यह बताया आप लोग का आपका ट्रांसमिशन लाइन में कहीं फॉल्ट होता है तो ट्रांसमिशन लाइन को बंद होना है ठीक है तो ये क्या आप लोग का एक प्रोटेक्शन सिस्टम है उसके बाद स्काडा एंड लेटेस्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी तो जो स्काडा है ये इंपॉर्टेंट है स्काडा क्या करता है देखो स्काडा का मैं तुम तो लोग एग्जाम्पल बता रहा हूँ मान लो आपका जो स्काडा है स्काडा का जो बेसिक काम क्या रहता है जो ट्रांसमिशन लाइन से रहती बहुत है बहुत हैवी बहुत लंबी लंबी लाइन है अब मान लो कहीं मौसम ख़राब हुआ आप अहमदाबाद में हो ठीक है आपका जो एक फोर हंड्रेड के वी का ट्रांसमिशन लाइन आप लोग का अहमदाबाद से मान लो आप लोग का कोस्टल एरिया पे जा रहा है ठीक है कोस्टल एरिया पे जा रहा है जिसका दो सौ तीन सौ किलोमीटर आप लोग का लेंथ है तो आप मान लो उस ट्रांसमिशन लाइन में कहीं फॉल्ट हो गया तो क्या करता है जो स्कांडर रहता है वो क्या करता है तुरंत वो जो सब स्टेशन के ऑपरेटर को इंटीमेट करता है कि भाई आपका जो ट्रांसमिशन लाइन के इतने किलोमीटर बाद यहाँ इस जगह पे आप लोग का फॉल्ट हुआ है आप वहाँ जाइए और जो जो फॉल्ट हुआ है तो उसके क्या रहता है जो ऑपरेटर को तुरंत पता चल जाता है कि भाई मेरा दे यहाँ फॉल्ट होता हुआ है और तुरंत जो पास के जो जो पास के जो स्टाफ रहते हैं जो लाइन को देखते रहते हैं ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के स्टाफ रहते हैं वो इमिजिएटली वहाँ पास क्या करते हैं चले जाते हैं उस जो प्रॉब्लम है तो उसको क्या करते हैं अपन वैक्टिफाई

है ठीक है तो आप लोग का एक आर एम यू करके बताया जिसको मैं आप लोग को बाद में डिटेल में बताऊंगा तो और बहुत सारे जो इक्विपमेंट है वो क्या आप लोग क्या करते हैं यूज़ करते हैं जिससे आप लोग का लाइन का जो रिलायबिलिटी है आपका जो लाइन यदि फॉल्ट हो रहा है उसको फॉल्ट को क्लियर करने का जो टाइम हो गया है आप का कम हो ठीक है अब उसके बाद रिन्यूबल एनर्जी है सोलर सी तो जो रीन्यूएबल एनर्जी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेटको के लिए क्योंकि जो गेटको है उस उसमें लगभग आप लोग का जो थर्टीन परसेंट जो पावर जो ट्रांसमिट करती है वो क्या है आप लोग का रीन्यूबल एनर्जी जो कि बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू तो किसी भी अदर स्टेट के जैसे सी में अपना जो ट्रांसमिशन जो कंपनी है वो बहुत ही कम मतलब एक आध दो परसेंट रीन्यूबल एनर्जी को इधर उधर ट्रांसमिट करती है बट गुजरात में ये थर्टीन परसेंट है जो रीन्यूबल एनर्जी है यदि आप पावर सिस्टम को अच्छे से पढ़े हो तो आप देखे होगे कि रिन्यूबल एनर्जी से ट्रांसमिशन लाइन की िटी में बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है तो यदि आप ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा सोलर पावर या फिर आप अपना विंड पावर को अपने एनर्जी मिक्स में ला सकते हो विदाउट मेकिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस इन यूर ट्रांसमिशन सिस्टम ठीक है तो इसीलिए जो ट्रांसमिशन सिस्टम है बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉग बनाया गया है तो ये आप लोग का थर्टी परसेंट तक आप लोग का रीनुबल एनर्जी को क्या करता है आप लोग का मैनेज कर सकता है जो थर्टीन परसेंट रीन्यूबल एनर्जी वो क्या रहता है आप लोग का अपने मन मुताबिक है कभी भी आप लोग का जीरो हो सकता है कभी भी थर्टीन क्योंकि विंड है हवा नहीं चला तो क्या पावर टर्बाइन बंद हो जाएगा ठीक है तो आपको ये बहुत ही अनप्रडिक्टेबल होता है इसीलिए अपन सिस्टम में कोई सभी स्टेट में सिस्टम में इस जो रीन्यूबल एनर्जी को इतना आसानी से आप बहुत ही ज़्यादा नहीं ले जा सकते नहीं नहीं ट्रांसमिट कर सकते क्योंकि ये क्या हो है इसके ऊपर आप लोग का कंट्रोल नहीं है तो आपका सिस्टम का क्या हो जाएगा पूरा का पूरा, पूरा आप लोग का बैठ जाएगा ठीक है तो आपको यदि किसी को याद होगा तो दो हज़ार टू थाउजेंड में पूरा इंडिया में ब्लैकआउट हो गया था ठीक है यही सब प्रॉब्लम के कारण जो इंडिया का जो पावर ग्रिड है वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाया तो पूरा का पूरा जो ग्रिड है वो क्या हो गया था आप लोग का कोलैप्स हो गया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो गुजरात की जो ट्रांसमिशन कंपनी जेटको है वो थर्टीन रिन्यूबल एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहे उसका जो ग्रिड है वो क्या आप लोग का स्टेबल है ठीक है तो इस इस बात को आप नोट करना और इसके ऊपर से उन लोग क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि उन लोग के लिए ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है इसीलिए अपन सब इंपॉर्टेंट चीज़ों को क्या है पॉइंट आउट करते जाए और उसके अकॉर्डिंग अपन लोग क्या करेंगे इसको पढ़ेंगे उसके बाद अगला क्या है कैपेसिटा रिएक्टिव एंड रिएक्टिव पावर तो ये क्या आप लोग का रिक्वायरमेंट रहेगी क्यों क्योंकि आप इतना ज्यादा रिन्यूबल एनर्जी को क्या कर रहे हो इसमें ट्रांसमिट कर रहे हो तो इसीलिए जो कैपेसिटा रिएक्टिव वेक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट क्या होता है आप लोग के सिस्टम में बढ़ जाता है ठीक है और लास्ट में है बेसिक नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इट इस पर्टेनिंग टू तो ट्रांसमिशन तो ये आप लोग का जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो नया नया आजकल आए हुए हैं नए नए कुछ कुछ एडवांस चीज़ें आई हुई हैं आप लोग का ठीक है जिसको वो यूज़ कर रही है तो उसके कारण अपन क्या करते हैं उस उस वाले पार्ट को भी अपन लोग क्या करेंगे डील करेंगे तो मैं ये जो जेटको के बारे में जब मैं पूरा पढ़ा और ये पूरा सिलेबस को एनालिसिस किया तो मैं देखा कि जो सिलेबस है वो बहुत ही प्रैक्टिकल सिलेबस है ठीक है जनरली क्या होता है कोई सभी भी कंपनी जब सिलेबस अपना डालती है ना तो कॉपी पेस्ट कोई सभी भी उठा के डाल देती है लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ इस सिलेबस को बनाने से पहले सोचा गया है कि उनको क्या चाहिए और ये उन लोग के जो उन लोग के जो रिक्वायरमेंट है जो रिक्वायरमेंट है जो मैं यहाँ लिखा हुआ हूं, उन लोग का जो रिक्वायरमेंट है उसको क्या कर रहे हैं आप लोग का मैच कर रहे हैं ठीक है तो इसीलिए इसका जो पेपर आएगा जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंड बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे और यूनिक रहेंगे कंपेयर टू एनी अदर एग्ज़ाम ठीक है तो इसलिए इस चीज़ को अपन एकदम क्लियर कर तुम लोग ध्यान में रखना कि जो सिलेबस है बहुत ही यूनिक है और सिलेबस के पीछे मेहनत किया गया है क्योंकि ये कोई सभी कॉपी पेस्ट सिलेबस नहीं है ठीक है तो इसीलिए आप लोग को बिल्कुल इसको लाइटली नहीं लेना है आपको इसको पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्या आप लोग को पूरा का पूरा पढ़ना है तो ये सिलेबस ऐसा जनरली किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस नहीं बता उसमें आप लोग इलेक्ट्रिकल मशीन पूछता है आपका मेजरमेंट पूछता है ठीक है आपका मेजरमेंट पूछता है आपका पावर पावर सिस्टम पूछता है तीनों चीज़ पूछता है ठीक है लेकिन यहाँ डी सी मशीन वसीन सब पूछता है लेकिन ऐसा नहीं किया यहाँ वो सिर्फ वही चीज़ पूछते हैं जिसको काम आएगा इस सिलेबस में जितनी चीज़ें हैं सभी चीज़ों का डायरेक्ट कनेक्शन है गेटको कंपनी से ठीक है यहाँ एक भी चीज़ ऐसा नहीं है जो उसके काम का नहीं है अब कई लोग पूछ सकते हैं सर आप मशीन यहाँ ट्रांसफार्मर मिसिंग है करके ठीक है ना ट्रांसफार्मर मिसिंग है बट क्या है जो ट्रांसफार्मर रहता है यदि आप बहुत बड़े जो ट्रांसफार्मर जैसे आप वन थर्टी टू के भी सब स्टेशन में यदि आप ऑपरेट करोगे तो एक्चुअली में क्या होता है जो ट्रांसफार्मर रहता है ना वो सप्लाइड बाई भेल ठीक है या ऑलस्टॉम ऐसी कोई बड़ी बड़ी कंपनी की कंपनी उसको सप्लाई कर दी है ट्रांसफार ट्रांसफार्मर को तो ट्रांसफार्मर को जनरली आपको ट्रांसफार्मर को आपको मेंटेन कुछ करना ही नहीं है ठीक है ये ट्रांसफार्मर खराब होती है तो उसको या कुछ भी उसमें फॉल्ट आता है तो उसको आप नहीं बनाओगे जो कंपनी जो उसको इंस्टॉल करके गई है वही देखेगी इसीलिए वो, वो लोग क्या किए हैं यहाँ उस पार्ट को भी हटा दिए और लोग ट्रांसफार्मर के बारे में पूछ ही नहीं हुए हैं ठीक है कोई भी आदमी जब सब स्टेशन देखता है तो वहाँ उसको सबसे बड़ा बीच में एक ट्रांसफार्मर गणेश भगवान टाइप से बैठा रहता है ठीक है तो वो ऐसा नहीं है कि उस ट्रांसफार्मर को अपन छूते ही नहीं ठीक है ना ट्रांसफार्मर को अपन छूते में फॉल्ट होता है तो जो कंपनी ट्रांसफार्मर सप्लाई की है वही उसको देखेगी ठीक है तो ऐसा उसका काम रहता है 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 तो इसीलिए क्या 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 सिलेबस में ट्रांसफार्मर भी आप आप लोग लोग का का पार्ट मिसिंग बाकी सब जो चीजें उसके काम की है जैसे डीसी बैटरी सिस्टम है विलियन प्रोटेक्शन सिस्टम है आप लोग इस काडा है ठीक है ट्रांसमिशन नेटवर्क के डिजाइनिंग है ये सब चीजें आप लोग के काम की है तो बहुत ही ज्यादा क्या आप लोग का ये प्रैक्टिकल सिलेबस है ठीक है और यहाँ पर आप लोग का है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर्टेनिंग टू ट्रांसमिशन विंग तो ये भी आप लोग का एक यूनिक चीज़ है इसको भी अपन लास्ट में पढ़ेंगे मैं आप लोग का लास्ट में एक घंटे में इसके बारे में पूरा आप लोग का बता दूंगा कि न्यू न्यू जो चीज़ें आई है वही जो आर में बता रहा था ये सब चीज़ें क्या आप लोग का न्यू चीज़ें हैं जो आप लोग का नया नया आप लोग का पावर सिस्टम में आप लोग का आ रहा है ठीक है तो ये आप लोग का पूरा का पूरा पूरा डिस्कस किया अपन लोग सिलेबस के बारे में और अपन ट्वेंटी फर्स्ट से क्या करेंगे पूरा का पहले ही स्टार्ट करेंगे तो ट्वेंटी फर्स्ट में मैं तुम लोग को पूरा पहले बेसिक आप लोग का पावर सिस्टम को पढ़ाते जाऊंगा और साठ घंटे में ठीक है ना साठ घंटे पे अपना टारगेट है साठ घंटे में अपन लोग क्या कर देंगे पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको अपन लोग क्या कर देंगे कवर कर देंगे तो इस आज का जो मेरा जो लाइव सेशन है उसको थोड़ा सा आप लोग जाके ध्यान से देखना कि जो कंपनी जो ऑपरेट कर रही है उसी के बारे में उस सिलेबस पे डाली है तो ये जो सिलेबस है ये अनलाइक एनी अदर एग्जाम है जहाँ किसी भी दूसरे एग्जाम के सिलेबस को कॉपी पेस्ट कर देते हैं जनरली एस एस के सिलेबस को डाल देते हैं क्योंकि एस एस से भी जेई .E. का रिक्रूटमेंट होता है और ये भी पोस्ट जेई .E. का है ठीक है बट जो एस में जो जेई .E. होता है जैसे कि आप किसी सी में आप जेई .E. हो ठीक है और यदि आप इसमें जई हो तो दोनों के काम में बाईफायर बहुत ज्यादा डिफेंस रहता है ठीक है ना इलेक्ट्रिकल पार्ट में तो इसीलिए क्या है वो उस डिफेंस को समझते हुए यहाँ का जो सिलेबस पूरा का पूरा क्या किया वो यूनिक किया है तो अब इसमें यह सब मत जाना कि आप लोग का एस एस सी जेई का सिलेबस है वैसे ही इसका सिलेबस नहीं है इसका सिलेबस पूरा क्या आप लोग का यूनिक है लेकिन क्या है ये जो पार्ट है जो सब्जेक्ट का जो पार्ट है जिसमें पावर सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा हैवी वेटेज दिया गया है तो इसको आप पढ़ लोगे तो ये जो पार्ट है आपको तो एस एस सी में जेई में भी आता है तो वहाँ भी आप लोग का यूज़ हो जाएगा ठीक है तो इसीलिए इसको थोड़ा सा अपने को ध्यान से पढ़ना है तो अपन ट्वेंटी फर्स्ट से अपन क्या करेंगे पूरा जो क्लासेस हैं उसको स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग मॉर्निंग पे रहेगा सेवन टू नाइन ठीक है सेवन टू नाइन नाइन थर्टी ऐसा मेरा क्लास डेली चलते रहेगा रेगुलर बेसिस पे सैटरडे संडे पे मैं लंबा क्लास ले सकता हूँ ठीक है आप लोग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लोग का चलते रहेगा और आप एकदम अच्छे से बहुत दिन बाद वे पेंसी निकले ऐसे भी देख रहे इंडिया में जॉब मार्केट थोड़ा सा क्या डाउन है तो आप अब अपना पूरा जी जान लगा दो और आप लोग को हम लोग गेट अकेडमी में आपको मैं बता रहा हूँ बहुत ही हाई क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड करेंगे हम लोग कोई सा भी क्लास ले रहे उसके बाद उसके पहले बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करते आप लोग देख पा रहे हम आप लोग पूरी चीज़ों को लेके आया पूरा कंपनी के बारे में पढ़ा और आप लोग को ये सब चीज़ों को बताया तो ये सब चीज़ें आप लोग को दूसरे कोचिंग में नहीं मिलेगी ठीक है वहाँ उतना ज़्यादा टाइम नहीं देते हम लोग यहाँ आप लोग की क्लासेस के पीछे बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं और आप लोग को जो भी बोल रहे हैं जो पी बोल रहा था आप लोग का बहुत ही अच्छे क्वालिटी का कंटेंट आपको मिलेगा आपका पी मैं स्टार्टिंग से ही देना आप लोग का चालू कर दूंगा मैं क्वेश्चन सिलेक्शन भी चालू कर दिया हूँ कि जो जो क्वेश्चन इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग के पास आएगा तो पहले आप लोग अपन क्वेश्चन दे देंगे तो जो मैं आप लोग को बताया था कि पहले थ्योरी फिर न्यूमेरिकल थ्योरी फिर न्यूमेरिकल ये अपना जो स्टेप है वो आप लोग का चलते जाएगा तो सिक्सटीन आवर्स की क्लास में आप या आप देख लो कि अराउंड अराउंड ट्वेंटी फाइव आवर्स भी थ्योरी रहेगा बाकी थर्टी फाइव आवर में आप लोग को पूरा का पूरा न्यूकल्स कराऊंगा ठीक है और यहाँ ये यह पूछे कि पेट कोर्स कितने दिनों तक चलेगा ये अभी सर विलू कवर जे जे बी गुप्ता टू मंथ चलेगा सर विल यू कवर जे बी गुप्ता एम सी क्यू हाँ जे बी गुप्ता एम सी क्यू में बहुत ही डिफरेंट टाइप टाइप का एम सी क्यू कराऊंगा जो जे बी गुप्ता का एम सी क्यू है ना भाई वो क्या है आप लोग का जो एग्जाम है वो एस एस सी जेई के लिए ठीक है लेकिन यदि तू गेटको के अकॉर्डिंग देखेगा तो मैं वही चीज कि जो गेटको के सिलेबस में यूनिक है तो थोड़ा सा अपने को यहां ना अलग से कोई तो ध्यान देना पड़ेगा ठीक है तो जो जे बी गुप्ता का एमएस क्यू है वो आपका पूरा का पूरा होल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को कवर करता है बट यहां आपका सिर्फ और सिर्फ पावर सिस्टम के बारे में पूछा है इवन वो इलेक्ट्रिकल मशीन भी नहीं पूछे जो कि आप लोग का फार मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उसको भी नहीं पूछा है क्योंकि उसको पता है कि मेरे को उस मशीन ट्रांसफार्मर से मतलब ही नहीं है ठीक है ट्रांसफार्मर यदि फॉल्ट होता है तो भेल

सामान सामान ये सब अपने को कुछ काम ही नहीं आता आपको ट्रांसमिशन लाइन देखना है सर्किट ब्रेकर विले यही सब चीज़ों से अपन क्या करते हैं दिन भर जूझते रहते हैं तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्या आप लोग का सिलेबस है और जब वो इतना मैंने सिलेबस में किया है तो क्वेश्चन भी उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेगा वो आप लोग का फ्रेम करेगा तो डेफिनेटली आप जेबी गुप्ता बनाओ ठीक है जेबी गुप्ता बनाओ और और कुछ एक्स्ट्रा एक्ष्ट, करो क्योंकि भाई इंडिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया अब आप आपको थोड़ा सा यूनिक करना पड़ेगा ठीक है उसी लिए हम लोग गेट अकेडमी जाने जाते हैं अपन क्या करते हैं यूनिक करते हैं सबके सब जेवी गुप्ता तो बनाए अपन भी जेवी गुप्ता तो बनाएंगे लेकिन अपन और कुछ करेंगे ठीक है ना वो आप लोग को मिलेगा क्लास पे और कुछ है कि किस आम एग्जाम में ऐसे सिलेबस था लेकिन उसमें इंजीनियरिंग मैथेमेटिक्स प्रॉजेक्ट टॉनिक्स कंट्रोल सिस्टम भी पूछा पूछता है अच्छा ऐसा बोले तो वो चीज़ें अब जो पूछता है तो सबके लिए रहेगा ठीक है तो उसको अब अब क्या बोल सकते हैं जिस सिलेबस में देख ऐसा पूछता है तो फिर उसके अपन कुछ बोले कि उसमें कमेंट ही नहीं कर सकते ठीक है इस लेक्चर इज अवेलेबल इन रिकॉर्डेड अभी तो रिकॉर्डेड पे अवेलेबल रहेगा यूट्यूब में तुम लोग इसको देख सकते हो मसीन एंड मेजरमेंट सब पूछता है सब बोल रहे हैं तो ठीक है तो भाई अपन एस एस का तैयारी करेंगे ये जो गेट को भी चलेगा आप लोग का मैं जब पूरा पढ़ाऊंगा आप लोग का पावर सिस्टम में तो मैं गेट को प्लस आप लोग का एस एस सी जाएगा सभी चीज़ पढ़ाऊंगा ठीक है तो ऐसा नहीं आपको ऐसा ध्यान नहीं देना मैं ये बताऊँगा कि इस चीज़ों को अपने को जो सिलेबस में दिया उसमें अपन लोग इसका इंपॉर्टेंस को देते हैं और साथ ही साथ पूरा बाकी भी चीज़ों को अपन पढ़ेंगे तो अपने को क्या जाएगा कि अपने को पूरा नॉलेज हो जाएगा ठीक है तो तुम लोग ये बिल्कुल टेंशन मत लो कि तुम लोग को पोलेट्रॉनिक्स कंट्रोल सिस्टम अपन सब पढ़ेंगे ठीक है ना अपन क्या आपका जो कोर्स है उसमें आप लोग को जितना भी चीज़ें रहेगा जैसे एस का जो बुनियाद बैच जो अपना आ रहा है ठीक है उसकी कोर्स में आप लोग का सभी चीज़ें हैं तो वहाँ से तुम लोग को सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाएगी ठीक है तो अपन ट्वेंटी से स्टार्ट करेंगे क्लियर है क्लासेस को और वहाँ पी में सब लिखा है रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे सर डोंट डिपेंड ऑन सिलेबस दे कैन गो अप टू गेट लेवल सर ओके ओके आई अंडस्टैंड मैं आप लोग का जो सिलेबस है वो जो सिलेबस को आप लोग के साथ डिस्कस किया हूँ अब आप लोग इस सिलेबस को भी देखेंगे और जो पूरा का पूरा जो ओवरऑल जो सिलेबस है अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जिसमें आप लोग का पावर सिस्टम इलेक्ट्रिकल मशीन आप लोग का मेजरमेंट है अपन पूरा का पूरा होल को भी पढ़ेंगे क्लियर है ना होल को भी अपन लोग पूरा का पूरा पढ़ेंगे आप लोग का जेबी गुप्ता का जो क्वेश्चन है उसको पूरा अपन बनाएंगे अपन गेट के भी कुछ कुछ क्वेश्चन बना लेंगे ठीक है ये सी के क्वेश्चन बना लेंगे तो इंडिया के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन हैं अपन सब को करेंगे और इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पावर सिस्टम जो सब्जेक्ट है उसमें जो सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उसको अपन उस 60 आवर्स में अपन क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो ठीक है बिल्कुल टेंशन आप मत ही लो अपन पूरा का पूरा सभी चीज़ों को कवर करेंगे ये सिलेबस में लिखा है बोल के इसको मैं हाईलाइट किया हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपन इतना ही पढ़ेंगे अपन पूरा का पूरे इंजीनियरिंग सर्विस एस एस जेई जितना भी स्टेट एग्जाम होता है ठीक है गेट सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे और लगभग सभी एग्जाम के क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे डील करेंगे तो आपको बताएँ मैं ट्वेंटी फाइव टू थर्टी आवर आप लोगों को थ्योरी पढ़ाऊंगा उतना ही आप लोगों को न्यूमेरिकल कराऊँगा तो आप लोग समझ जाओगे आप कितने न्यूमेरिकल आप करने वाले हो ठीक है और जो कैलसी वाला जो पॉइंट है उसको भी मैं आप लोगों का आपका ध्यान रखता हूँ कि अपन विदाउट कैलसी से ही अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन न्यूमेरिकल अपन क्या करेंगे सॉल्व करेंगे ठीक है जिससे आप लोग को फ़ायदा हो ठीक है सिलेबस के पिछले पेज में लास्ट में ठीक है गेटको का इफिक्यू आया है कि एग्जाम एक घंटे का ही होगा ठीक है ना एग्ज़ाम तो एक घंटे के ही होगा उसमें हंड्रेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो वो देख रहा था मैं हंड्रेड क्वेश्चन है तो हंड्रेड क्वेश्चन यदि एक घंटे में पूछ रहे हैं ना तो आप लोग को बहुत फास्ट एकदम जो इंस्टेंट होता है ना वो करना है आपके पास ना टाइम नहीं है कि आपको क्वेश्चन को आप एकदम आपको रोबोट टाइप से जैसे ये क्वेश्चन पूछा तुरंत आंसर तुरंत आंसर ऐसे करके आप लोग को क्या करना है आपको डील करना है ठीक है यहाँ मयूर बोल रहे हैं कि सर well, आप ये वन मंथ में खत्म हो जाएगा मेरा क्लास ट्वेंटी फर्स्ट भी स्टार्ट होगा डेली आपका टू आवर्स चलेगा ठीक है मोर देन मोर देन वो आप लोग का वन मंथ नहीं जाएगा ठीक है आप लोग का विद इन वन मंथ पे क्या हो जाएगा आप लोग का खत्म हो जाएगा ठीक है टू आवर्स डेली चलेगा सैटरडे संडे पे मैं आप लोग का लंबा ले सकता हूँ ठीक है अपन आगे जैसे क्लास चालू होता है तो अपन देखते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग अपन क्या है करते जाएंगे क्लियर है तो आप बिल्कुल टाइम पर टेंशन मत लो टाइम आप लोग का पर्टिकुलर टाइम पर ख़त्म होगा और डेली टू 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 एंड हाफ आवर का आप लोगों का क्लास डेली ही रहेगा ठीक है सैटरडे संडे पे लंबा भी जाएगा ऐसे ही अपन अपना काम चलता है बस तो सुबह सात से नौ साढ़े नौ तक क्लास तो आपका डेफिनेटली है ही है डेली ट्वेंटी फर्स्ट से आप मान लो ठीक है तो मिलते हैं फिर अपन लोग ट्वेंटी फर्स्ट को और यदि मैं आप लोगों के लिए कुछ लेके इंटरेस्टिंग मेरे को मिलता है तो मैं आप लोग के लिए लेके आऊँगा लाइव पे ठीक है तो ऐप पर लेक्चर रिकॉर्डेड रहेगा हाँ पे लेक्चर रहेगा ना रिकॉर्डेड सभी लेक्चर रहेंगे ठीक है बट लाइव में रहोगे तो क्या इंटरेक्शन रहेगा तो क्या चीज़ है कि मैं मैं उसमें आप लोगों को जो जो डाउट्स है उसको क्या कर दूंगा सॉल्व करते जाऊँगा और थोड़ा इंट्रेक्टिव रहने से क्या रहता है आप लोगों को जो भी इशू है तुरंत का तुरंत क्या रहता है आप लोग का रिजॉल्व हो जाएगा ठीक है तो रिकॉर्डेड तो रहेंगे बट वो पेड कोर्स आप लोग को लेना पड़ेगा ठीक है आ, इस काडा की नोट्स मिलेंगी सर हाँ मिलेगी अब इसकाडा का मैं तुम लोग को नोट्स दे दूंगा जितने भी सभी टॉपिक्स है सबके नोट्स का तुम लोग टेंशन ही मत लो ठीक है नोट्स आप लोग को मिलते जाएगा क्लास में लूंगा उसका भी बना लेना ठीक है उसके बाद मैं तुम लोग को क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा ठीक है सर uh, आप ही डील करेगी या कोई और फैकल्टी भी सब्जेक्ट लेंगे नहीं अभी तो फिलहाल मई डील करूँगा आप लोग का पूरा जो पावर सिस्टम है उसको अपन स्टार्ट करते हैं ठीक है ट्वेंटी से अपन पूरा का पूरा उसको सभी टॉपिक को मैं एक बार वन मोर टाइम आप लोग को बोल रहा हूँ कि सिलेबस को डिस्कस कर उसका मतलब ये नहीं कि अपन इसी को पढ़ेंगे अपन पावर सिस्टम के ईच एंड एवरी टॉपिक टॉपिक आस्क इन ईच एंड एवरी कंपेटिव एग्जाम इन इंडिया वी विल कवर थ्रोली ठीक है आपको कोई भी पार्ट आपका नहीं छूटेगा सभी क्वेश्चन को अपन और आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन को अपन बनाएंगे और उसके बाद ही अपन क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे ठीक है सर so, यूट्यूब भी पर भी आएगा लेक्चर्स हाँ यूट्यूब उतने मतलब आप लोग को पेड कोर्स है ये तो आप लोग को पेड कोर्स लेना पड़ेगा ठीक है लाइव ऐप पे आप लोग को मिल जाएगा गेट अकेडमी लाइव ऐप पे आप लोग का मिल जाएगा ठीक है ठीक है फिर थैंक यू मिलते हैं आप ट्वेंटी फर्स्ट को और यदि कुछ मेरे को इन्फॉर्मेशन रहता है तो मैं आप लोग के लिए लेके आता हूँ ठीक है आप लोग को होपफुली अच्छा लगा होगा ये सब जो मैं आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग चीज़ें जो लेके आया था आप लोगों को पूरा बताया कंपनी के बारे में अब अपन पूरा का पूरा इस चीज़ों को बहुत ही अच्छे से क्या करेंगे डील करेंगे ठीक है तो आप बिल्कुल ये टेंशन मत लोग यही सिलेबस आएगा अपन पूरा का पूरा सिलेबस के सभी पार्ट को अपन क्या करेंगे अपन डील करेंगे ठीक है तो थैंक यू मिलते हैं अपन ट्वेंटी को उससे पहले यदि मेरे कुछ और मिलता है तो मैं आप लोग के पास आता हूँ ठीक है थैंक यू हैव अ नाइस डे